दोस्तों आईपीएल का 22वां मुकाबला दो धाकड़ टीमों के बीच खेला गया। चेन्नई और बैंगलोर के बीच ये मैच खेला गया। जैसे ये दो टीम जबरदस्त थी, वैसे ही आज का मैच भी जबरदस्त था। टॉस हारने के बाद चेन्नई की शुरुआत काफी धीमी थी। पहले दो विकेट टीम ने जल्द ही गवा दिए थे, लेकिन आरसीबी नहीं जानती थी कि रुबिन उथप्पा और शिवम दुबे का तूफान आना बाकी था। दोनों बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह धो दिया था। ऐसा कोई ओवर नहीं था जहां छक्के ना लगे हो। टीम ने अपने 20 ओवरों में 216 रन हासिल किए थे, जिसमें रुबिन ने 50 गेंदों में 88 रन बनाए, वहीं शिवम दुबे ने 46 गेंद पर 95 रन बनाए। आरसीबी को ये मैच जीतने के लिए कुछ चमत्कार करना था। दोस्तों इसके बाद जब आरसीबी की टीम स्कोर को चेस करने उतरी, उनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। टीम ने अपने 4 बड़े विकेट सिर्फ 50 रनों के अंदर खो दिया था। यहीं पर आरसीबी की टीम लगभग मैच हार चुकी थी। हालांकि शाहबाज अहमद और प्रभुदेसाई ने 50 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन फिर प्रभुदेसाई भी चलते बने। अब सारा दारोमदार इनफॉर्म बैट्समैन दिनेश कार्तिक के कंधों पर था। कार्तिक ने इस सीजन शानदार बल्लेबाजी की थी। आखिरी 3 ओवरों में टीम को 48 रनों की दरकार थी। कार्तिक ने कोशिश जरूर की, लेकिन फिर 34 के स्कोर पर आउट हो गए। सीएसके ने इस सीजन की पहली जीत दर्ज की है। दोस्तों सीएसके टीम के इस जीत पर आप किस खिलाड़ी को हीरो मानते हो, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।